गंगोत्री धाम की यात्रा कैसे करें। दोस्तों, गंगोत्री उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा में से एक है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के चारों धाम की यात्रा दो तरह से है, छोटी चार धाम यात्रा और बड़ी चार धाम यात्रा। उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ छोटे चार धाम यात्रा है और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ बड़ी चार धाम यात्रा के रूप में माने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गंगोत्री की यात्रा कैसे करें, लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यात्रा गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, गंगोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में मौजूद है, जहां से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख नामक स्थान स्थित है और यही दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गंगोत्री से लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में एक भी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है, इसलिए गंगोत्री जाने के लिए आपको सड़क मार्ग का ही चुनाव करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि फ्लाइट के माध्यम से गंगोत्री धाम कैसे पहुंचे। गंगोत्री धाम का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि गंगोत्री धाम से लगभग 265 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए आपको देश के कई सारे छोटे बड़े शहरों से फ्लाइट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि देहरादून से गंगोत्री के लिए किसी भी बस की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अगर देहरादून एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप बस से गंगोत्री धाम जाना चाहते हैं तो आपको देहरादून से बस या टैक्सी लेकर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जाना होगा, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगोत्री धाम के लिए किसी भी बस की सुविधा नहीं दी गई है। और यदि आप देहरादून से टैक्सी के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको देहरादून एयरपोर्ट से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप देहरादून से भी गंगोत्री प्राइवेट टैक्सी के जरिए जा सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगोत्री धाम जाने वाली बस हरिद्वार से सुबह 7 बजे निकलती है और वही बस हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए गंगोत्री धाम जाने के लिए ऋषिकेश से सुबह 8 बजे मिलती है, जो कि इस पूरे सफर में 9 घंटे समय लेकर दोपहर शाम के 4 बजे गंगोत्री पहुंचा देती है। आइए आपको बताते हैं कि ट्रेन से कैसे पहुंचे गंगोत्री धाम। दोस्तों, आपको बता दें कि गंगोत्री से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन देहरादून है, जो कि गंगोत्री से लगभग 240 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, भले देहरादून गंगोत्री से सबसे नजदीक है, लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी कि आप अपने शहर से हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़ें, क्योंकि यदि आप देहरादून जाते हैं तो गंगोत्री धाम के लिए आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आकर बस पकड़ना होगा, और यदि आप हरिद्वार आते हैं तो आपको बस के लिए ऋषिकेश या कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं कि बस के जरिए गंगोत्री धाम की यात्रा कैसे करें। दोस्तों, यदि आप दिल्ली से हैं तो आपको देहरादून या हरिद्वार के लिए बस की सुविधा आसानी से मिल जाएगी, जिसके जरिए आप हरिद्वार पहुंचकर वहां से गंगोत्री धाम जा सकते हैं। लेकिन यदि आप देश के अन्य शहरों से हैं तो आपको सबसे पहले ट्रेन या फ्लाइट से देहरादून या हरिद्वार आना पड़ेगा, और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आप देहरादून की बजाय हरिद्वार के लिए ही टिकट लें, क्योंकि हरिद्वार से डायरेक्ट गंगोत्री के लिए बस आपको मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि बाइक और कार से गंगोत्री की यात्रा कैसे करें। दोस्तों, यदि आप बाइक और कार से गंगोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बाइक और कार का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप सही से बाइक और कार नहीं चला पाते हैं तो आप बाइक और कार से गंगोत्री धाम की यात्रा ना करें। इसके साथ ही बाइक और कार से गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान आपको पेट्रोल पंप दिखे तो आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा लें, क्योंकि गंगोत्री धाम के रास्ते में पेट्रोल पंप की सुविधा बहुत कम देखने को मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि टैक्सी के जरिए कैसे करें गंगोत्री धाम की यात्रा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि यदि आप देश के किसी भी शहर से गंगोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेन या फिर फ्लाइट के माध्यम से हरिद्वार या फिर देहरादून आना पड़ेगा, और फिर हरिद्वार और देहरादून से आपको प्राइवेट टैक्सी आराम से मिल जाएगी, जिसको बुक करके आप आराम से गंगोत्री धाम जा सकते हैं। और हाँ, टैक्सी से जाने के लिए आपको देहरादून और हरिद्वार दोनों जगहों से टैक्सी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि बस की सुविधा देहरादून में नहीं है, टैक्सी की सुविधा देहरादून में भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताएं कि और कहां की यात्रा की जानकारी आप जानना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।